नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्णा क्लासेस पे। स्टूडेंट, आज हम लेक्चर करने जा रहे हैं ऑन वर्क एनर्जी एंड पावर पे। ठीक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा वर्क एनर्जी एंड पावर। चलिए शुरू करते हैं हमारा ये लेक्चर जिसका नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये टॉपिक, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ट न्यूमेरिकल भी आएंगे, इनके ऊपर बेस्ट डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आएंगे। इसलिए एक एक चीज को ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप इस चैप्टर पे बेस्ट अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो अच्छे से कर पाओ। ठीक है, देखिये वर्क को हिंदी में बोलते हैं यहाँ पे कार्य, पावर मीन्स शक्ति और एनर्जी मीन्स यहाँ पे आपके पास में ऊर्जा की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए पहले एक एक करके हम इन तीनों टॉपिक्स को समझते हैं। सबसे पहले बात आती है हमारे पास में वर्क की। ठीक है, देखिए वर्क क्या होता है, एग्जांपल से समझिएगा आप। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फोर्स लगाऊं और उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट आ जाए, मीन्स वो खिसक जाए, तो मैं क्या बोलूंगा कि वहां पे वर्क डन हुआ है। अदरवाइज क्या होगा कि वहां पे वर्क डन नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको कि अगर ये दीवार है, इस दीवार के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो ये दीवार क्या होगी, ये वर्क, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तो मतलब क्या है, यहाँ पे वर्क डन जीरो हो गया है। ठीक है, तो ये केस कौन सा हो गया कि इसके अंदर वर्क डन जीरो हुआ है। लेकिन वही एग्जाम्पल दूं कि यहाँ पे कोई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है और उसको मैं धकेल रहा हूं, तो वो क्या होगा, वो आगे डिस्प्लेस हो जाएगा। तो वो डिस्प्लेस हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे वर्क डन हुआ है। तो क्या हुआ, वर्क डन बनने की डेफिनेशन क्या हो गई कि इफ वी अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट गेट डिस्प्लेस्ड, तो वो क्या हो जाए, डिस्प्लेस्ड हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, देन वी कॉल वर्क इज डन। तो क्या हुआ है, वर्क हुआ है। अब देखिए मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली न्यूमेरिकल के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर्मूला कि वर्क डन होता है फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, जिसको अगर मैं नोटेशन दू एफ डॉट एस। देखिए यहां पे ये जो है ये डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड एंड कोस थीटा। देखिए आपने बहुत सी जगह सिर्फ ये डायरेक्ट फॉर्मूला देखा होगा कि वर्क डन हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पर यहाँ पे कोस थीटा भी होता है। इसका आपको रोल बताऊंगा जो आपको शायद ही किसी ने बताया होगा, अगर आपको नहीं पता है तो आज आपको अच्छे से पता चलेगा कि यहाँ पे थीटा का रोल क्या होता है। ठीक है, तो ये इसका पूरा फॉर्मूला होता है एफ मैग्नीट्यूड, एस मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। ठीक है, इसको इक्वेशन वन दे देते हैं एक बार के लिए। अब देखिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसके अंदर आप जो पॉइंट लिख सकते हो वो है इसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इसकी वर्क डन के लिए, न्यूटन मीटर या फिर इसको बोलते हैं जूल, और ये तो है इसकी ऐसा यूनिट, और सीरियस यूनिट भी इसकी है जो क्या होगी, वो होती है अर्ग। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये भी यूनिट है इसकी अर्ग। ठीक है, ये हो गया वर्क डन के ऊपर हमने फॉर्मूला कर लिया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि वर्क डन किस केस में कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और इस थीटा की भी हम देखेंगे कि कैसे इस पे डिपेंडेंसी रहती है वर्क डन की। ठीक है, अब देखिए
इरेज कर देता हूं एक बार इसको मैं। देखिएगा हमारे पास में वर्क डन के लिए क्या फॉर्मूला है, फोर्स मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। तो देखिए तीन केस बनाते हैं हम। पहला केस मैं बोलता हूं कि फोर्स जीरो है। अब देखिए एग्जांपल देता हूं इसका, फोर्स जीरो है इसका मतलब कि मैं अपना सीधा खड़ा हूं आराम से मस्ती से और ये वुडन का कोई बॉक्स है ये पड़ा है मेरे पास में, तो क्या होगा, क्या ये हिलेगा, क्या ये आगे खिसकेगा, नहीं खिसकेगा। जब तक मैं इस पर फोर्स नहीं लगाऊंगा तो ये खिसकेगा नहीं, खिसकेगा नहीं तो क्या होगा, वर्क डन जीरो रहेगा। ठीक है, इसलिए जब फोर्स जीरो है तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। पहला केस फोर्स पे डिपेंडेंसी से हमने वर्क डन को चेक किया। दूसरा केस टू देखिए, अगर क्या हो, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, मतलब अब इसको समझ के देखिए, ये दीवार है, इस दीवार पे अगर मैं फोर्स लगाऊं, ठीक है, देखिए ये विजुअल दिखा रहा हूं मैं आपको, अच्छे से समझ आएगा कि ये लड़का क्या कर रहा है, ये दीवार पे फोर्स लगा रहा है पर दीवार इसलिए खिसक नहीं रही है तो क्या होगा, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तो वर्क डन भी जीरो होगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो क्या होगा, वर्क डन जीरो रहेगा। तीसरा केस देखिए अब यहां पे, अब देखिए तीसरा केस समझिएगा अच्छे से, आपको मैं थीटा की डिपेंडेंसी बताऊंगा। अगर आपने बचपन में एक प्रैक्टिकल किया होगा जिसके अंदर क्या करते हैं हम, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको रस्सी से बांध के अगर हम उसको गोल गोल घुमाते हैं, देखिए ये मैं आपको विजुअल दिखा रहा हूं, इसके अंदर ये लड़का क्या कर रहा है, ये घुमा रहा है गोल गोल इसको ऑब्जेक्ट को, जिसके कारण क्या हो रहा है, इसके अंदर फोर्स तो लग रहा है बाहर की तरफ, ओके, और डिस्प्लेसमेंट हो रही है सर्कल के अंदर, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, मीन थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया इस केस के अंदर, और जब थीटा 90 का होगा तो कोस थीटा कितना होगा, कोस 90 कितना बन जाएगा, जीरो। तो जिसके कारण वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम फोर्स भी लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के क्या हो रही हैं, परपेंडिकुलर हो रही हैं। परपेंडिकुलर होने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे वर्क डन इस केस में भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इसलिए यहाँ पे सिर्फ वर्क डन फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होता, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होती है दोनों की, जिसके कारण यहाँ पे कोस थीटा आता है और इस थीटा की डिपेंडेंसी वर्क डन की जो डिपेंडेंसी है थीटा पे रहती है, जिसके कारण अगर थीटा 90 हो जाता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, तो वर्क डन क्या रहेगा आपका, उस केस में भी जीरो रहेगा। याद रखना ये चीज, यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो ये था वर्क डन के ऊपर हमारा बेसिक कि हमें किस प्रकार से हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, एसआई यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट क्या होती है और उसको डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम पावर की स्टडी करते हैं कि पावर क्या होती है। ठीक है, देखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा मार्क्स का रहेगा अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं इसके ऊपर, और इसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं, इसलिए ये मेरे हिसाब से काफी स्कोरिंग वाला रहेगा एग्जाम के अंदर। देखिएगा सेकेंड जो हमारे पास में है पावर। अब देखिएगा पावर की बात करते हैं, पावर क्या होती है, वर्क डन को करने की जो रेट है, कौन जल्दी कर पाता है वो उसका क्या होगा, वो उसकी पावर होगी। ठीक है, तो देखिए रेट ऑफ डूइंग वर्क ये क्या होती है, पावर होती है, शक्ति होती है, उसके अंदर शक्ति ज्यादा है, या फिर हिंदी में बोले तो कार्य करने की दर, इसको क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो है अभी मेरे दिमाग में आ रहा है, देखिए आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, उसके अंदर क्या रहा है, एक सीन है जिसमें कुमार वर्मा के साथ में बाहुबली जाता है और देवसेना भी वहां पे होती है, ये दोनों क्या करते हैं, सूरों का शिकार करते हैं। ठीक है,
तो वहां पे सूरों को मार तो देवसेना भी रही है, लेकिन जल्दी कौन मार रहा है उसको? बाहुबली जल्दी मार रहा है, जिसके कारण उसका जो पावर है वो ज्यादा है, क्योंकि उसका वर्क डन करने की जो रेट है वो ज्यादा है। इसलिए वहां पे आपके साथ में क्या है कि पावर जो है वो बाहुबली की ज्यादा रहेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अब आप इस चीज को कभी नहीं भूलोगे कि वर्क डन करने की जो रेट है उसको पावर कहते हैं। ठीक है, पावर की एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल था ये। अब देखिए हमारे पास में इसको मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे, देखिए। ठीक है, ज्यादा मत सोचिए अब, ठीक है, मूवी से बाहर निकलो, इसको देखो आप। मैथमेटिकली पावर जो होगी वो क्या होगी? वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये इसके अंदर हमारे पास में पावर हो गई, इसका डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला वो क्या होगा पावर का? वर्क डन का अभी हमने किया था एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू, और टाइम क्या होता है? टी। तो यहां पे क्या आ गया? एम एल स्क्वेयर टी माइनस डी। ठीक है, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया किसके लिए? पावर के लिए। यूनिट यहां पे इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, ऐसा यूनिट देखिए, ऐसा यूनिट देखिए, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, या फिर न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या फिर इसी चीज को क्या बोलते हैं? वॉट बोलते हैं। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी तीनों यूनिट याद रखनी है, तीनों ही ऐसा यूनिट है। जनरली इसको वॉट बोलते हैं, पर वॉट क्या होती है? न्यूटन मीटर पर सेकंड बोल सकते हो या जूल पर सेकंड बोल सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसा यूनिट हो जाएगी पावर की। ठीक है, तो ये हमने पावर का पढ़ लिया। अब हम तीसरा पढ़ते हैं जो रहेगा एनर्जी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आप एनर्जी को। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ रहे होंगे सारी चीजें, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी रहती है तो आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर अपना क्वेरी पूछ लेनी है, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और अपनी क्वेरी जो है, कोई भी डाउट है वो हमसे वहां पे आप शेयर कर सकते हो, और वहां उस चैनल पे आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे हर लेक्चर के, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए आप तीसरा पढ़ एनर्जी देखिए। एनर्जी क्या होती है कि वर्क डन को करने की कैपेसिटी किसमें ज्यादा है। ठीक है, पावर तो क्या था कि कौन कितना जल्दी कर पाता है। ठीक है, तभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो देवसेना है मार तो वही रही है सुवर को, लेकिन जल्दी मार रहा है कौन? जल्दी मार रहा है बाहुबली, इसलिए उसकी पावर ज्यादा हो गई। ठीक है, पर एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, कि जो वर्क डन कर रहे हैं उसके अंदर कैपेसिटी कितनी है, किसकी कैपेसिटी कम है, किसकी कैपेसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो वो क्या रहेगी आपके पास में? वो एनर्जी होगी। तो एनर्जी क्या होगी? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, किसकी कैपेसिटी ज्यादा है वर्क डन करने की, तो वो क्या रहेगा हमारे पास में? एनर्जी रहेगी। और एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है और यूनिट होती है वो दोनों ही वर्क डन ही होता है। ठीक है, एक तरीके से ये वर्क डन ही रहता है। देखिए मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, डायमेंशन फॉर्मूला वो इक्वल होगा किसके? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला किसका? एनर्जी का। वो इक्वल किसके होगा? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क। और ऐसा यूनिट जो है वो वर्क डन की क्या होती है? जूल। तो एनर्जी की भी यूनिट जूल ही होती है, लेकिन काफी सारी यूनिट्स हैं एनर्जी की जिसमें हम एनर्जी को मेजर करते हैं, वो मैं सारे लिख देता हूं। अगर ऐसा ही पूछे तो आप जूल बोल देना। ठीक है, लेकिन इसके अलावा देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्ग, जूल, न्यूटन मीटर, और इसके अलावा इसके अंदर अगर यूनिट देखें तो आपको
सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और ये जो इसकी है, ये सारे किसकी हैं, यूनिट्स ऑफ एनर्जी हैं, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एनर्जी। देखिए इनमें किसी भी आपको एनर्जी की यूनिट पूछ लेगा और एसआई का नहीं बोलेगा, तो आपको इतने सारे एग्जांपल में से कोई भी एग्जांपल मिल सकता है ऑप्शन के अंदर कि कोई भी इसमें हो सकता है। देखिए सेंटीमीटर इनवर्स हम कभी नहीं सोचेंगे, कोई स्टूडेंट अगर उसने नहीं पढ़ा है कि सेंटीमीटर इनवर्स यूनिट हो सकती है एनर्जी की भी, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एनर्जी जो है उसको सेंटीमीटर इनवर्स में भी मेजर किया जाता है। तो ये डिफरेंट यूनिट्स हैं ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब देखिए ये हमने देख लिया। अब इसकी एनर्जी भी दो टाइप की होती है जनरली जो हम स्टडी करते हैं, वो देख लेते हैं यहां पे। मैं यहां पे टाइप्स लिख देता हूं, टाइप्स ऑफ एनर्जी। देखिए एनर्जी जो होती है उसकी दो टाइप्स होते हैं जनरली, जिसके अंदर एक तो होता है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होता है हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए दोनों को समझिएगा। काइनेटिक एनर्जी होती है कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, उसके मोशन के कारण, मोशन के कारण जो एनर्जी होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी, और जो उसकी पोजीशन के कारण होगी वो क्या होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी होती है पोजीशन के कारण, ड्यू टू पोजीशन, और ये किसके कारण होती है, ड्यू टू मोशन। अब देखिए एग्जांपल देता हूं आपको, तब आपको समझ आएगा। अगर कोई साइकिल को चला रहा है तो साइकिल इसमें क्या हो रही है, मोशन कर रही है, तब उसकी एनर्जी तो होगी क्या होगी, उसकी एनर्जी होगी ड्यू टू मोशन, और हम उसको क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल कि किसी भी गन से अगर हम बुलेट फायर करते हैं तो क्या होगा, उस बुलेट के अंदर क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वो भी क्या होगी हमारे पास में, काइनेटिक एनर्जी होगी मोशन के कारण। पर अगर मैं बात बोलूं कि ये मार्कर है, ये मेरे हाथ के ऊपर यहां ऐसे पड़ा है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, इसकी पोजीशन के कारण एनर्जी है जितनी भी है, ये मोशन नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ड्यू टू पोजीशन होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, एम जी एक्स, और आपको कई बार ये ग्रेविटेशनल के केस में एम जी एच, ठीक है, ये वैल्यू आपको मिलेगी। दूसरा काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 half mv2। v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट की, मास है m, ठीक है, तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई और ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, एनर्जी जो होती है वो मेनली टू टाइप्स की होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक रहेगी मोशन के कारण, उसके पोजीशन अंदर वो रुका हुआ है, तब उसके अंदर कौन सी होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो ये था हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर के ऊपर कंप्लीट लेक्चर। इसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट बेसिक जो है इन तीनों टॉपिक्स का वो करवा दिया है। बाद में हम इनके ऊपर बेस्ट जो न्यूमेरिकल्स हैं या फिर हम इसके ऊपर बेस्ट जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ये अगर आपने कंप्लीट अच्छे से कर लिया है तो एक बार इसको आप रिवाइज जरूर कर लेना, और अगर कोई क्वेरी रहती है तो वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर हमारे जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया है हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके और वहां पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो वहां पे आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व कर दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और पढ़ते रहिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू।